हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, पूजा का कलश मैंने प्रॉमिस किया था और वही मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है ना, ये कलश इतनी आसानी से नहीं बना है जितना ईजी ये देखने में लग रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, इस तरह के जो है ना बर्तन हमारी किचन में मिल जाते हैं और अक्सर ये घरों में होते ही हैं। पुराने समय से लेकर आज तक इनका रिवाज ना तो कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा। तो देखिए, मैंने जो थाल सजाया था ना, उसी का बचा हुआ फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी इजीली ये नहीं चिपकता, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। और चिपका कर आपको ना इसमें क्या प्रोसीजर नेक्स्ट करना है ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए, तो वो अब आप देखिएगा। अच्छे से मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से ना थोड़े थोड़े गैप पर नॉचेस लगा लीजिए और उसको प्रॉपरली ना आप उसको फिक्स करते जाइए, चिपकाते जाइए। बहुत जो है ना खूबसूरत लगता है ये, आपने देखा ही है अभी। और आप किसी भी तरह से इसको पूजा में इस्तेमाल करेंगे, ये ख़राब नहीं होगा और ईजीली आप इससे ना बहुत काम ले सकते हैं। एज ए टेबल डेकोर भी इस थाली को और इस कलश को आप यूज़ कर सकते हैं फेस्टिव सीजन के दौरान। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस तरह के फैब्रिक्स घरों में बहुत बचे होते हैं और अगर आपका कॉम्बिनेशन अगर अच्छा सा बन जाता है तो जो है ना आप ही को बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम बहुत हज़ारों रुपए खर्च करते हैं इस तरह से जो है ना डेकोरेटिव चीज़ें फेस्टिवल्स में ढूंढते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो मार्केट में नहीं मिलती, ये तो फ्रेंड्स खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि खुद को रिक्रिएट कीजिए, तो इसी तरह से रिक्रिएट कीजिए और रिक्रिएशंस को ना हमेशा बना बना कर यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से, बहुत कन्वीनियंटली ये बन जाती है। देखिए, फैब्रिक है तो थोड़ा सा चिपकने में ना थोड़ी सी देर तो ये जो है ना साथ नहीं देता है, लेकिन जब जब ड्राई होता जाता है तो ये इजीली यहाँ स्टिक होता जाता है। तो देखिए, वही ग्रीन फैब्रिक है, जो एक स्ट्रिंग बची थी इसकी वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अभी। तो जब ये चिपकेगा, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, आपको लगेगा कि आपने ये बर्तन है ना ख़राब कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा चिपकने के लिए भी टाइम चाहिए। और जो है ना अच्छे से जब ये स्टिक हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसका ना जो है डेकोरेशन का प्रोसेस वो करना होगा। तो ये देखिए, मैंने स्टिक कर दिया है और जितने भी ये थ्रेड्स हैं ना एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं, इन सभी को ट्रिम कर दीजिएगा। अब देखिए, ये जो लेस है मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, बहुत सालों से मेरे पास थी पहले साड़ी। सो फ्रेंड्स, डेकोरेशन करते समय भी आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से लेसेस या बॉर्डर्स हमारे कपड़ों से भी बचे हुए होते हैं, आप उनको इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो मैं लेस जो यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी साड़ीज़ के साथ जो है ना ये आती थी और मैं इस तरह से ना उतार कर उनको रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद चलन फिर से आ जाता है, या तो वो कपड़ों पर ही यूज़ हो जाती है या फिर इस तरह से खूबसूरत सी ना क्रिएशंस वो बन जाती है। तो देखिए, अब ये लग रहा है ना खूबसूरत, ये लेस लगाने के बाद जितना अनइवन पार्ट था ना वो सभी हाइड हो गया, क्योंकि इस पर ना स्टेंसिल पेंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इजीली आ भी नहीं रही थी, तो इसीलिए मैं इसका जो है ना अब इस तरह से उसको हाइड कर दिया। अब ऐसे ही हम नीचे का जो पोर्शन है ना, आप चाहें तो सेम लेस उस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया था, लगा कर देखा था, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये इस तरह से किनारी मेरे पास थी वो मैंने यहाँ पर स्टिक कर दी और बहुत ही ज़्यादा ना ये खूबसूरत लग रही है। वैसे भी इतना नीचे का पोर्शन नहीं दिखता है जब रखा होता है कलश तो, बट हाँ, हमारा जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाता है जब हम पूरा जो है ना काम प्रोसीजर के साथ कंप्लीट, थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ी सी जो है ना क्रिएटिविटी आपकी हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकती है, जब थोड़ा सा मेकअप हमें बहुत ब्यूटीफुल बना सकता है, तो हम इन चीज़ों का मेकओवर करके, मेकअप करके हम इनको भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ना कलश हमारा जो है ना थोड़ी सी मेहनत से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, कुछ गोटा पत्ती के फ्लावर्स मेरे पास थे
और मैं इनका अब इसमें यूज़ कर रही हूँ, इनको स्टिक कर रही हूँ। आपके पास जिस भी तरह के फ्लावर्स हो, जो भी मटेरियल हो, उन्हीं से आप रिक्रिएशन कर सकते हैं। रिक्रिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ हमारी थोड़ी सी इमेजिनेशन होती है, थोड़ा सा हमारा जो है ना कंसंट्रेशन होता है, जो हमें जो ना हर चीज़ को ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब अगेन वही हमारे खूबसूरत से मिरर्स जो है ना मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो देखिए स्ट्रेट तो ये नहीं पेस्ट हुआ, लेकिन मैं इसको इस शेप में जो है ना चिपका रही हूँ। थोड़े से टाइम के बाद ये इजीली स्टिक होते हैं फ्रेंड्स, एक बार तो ये नहीं चिपकते, थोड़ा सा गिरते हैं और इनको बार बार संभालना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। लेकिन इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे फेस्टिवल को, हमारे लुक को सबसे यूनिक बनाना है, डिफरेंट बनाना है। तो वही चीज़ें हैं कि हम अपनी जो है ना पूजा को, अपने क्रिएशंस को यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आप इसमें किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। जो मेरे पास मिरर्स थे ना, जो जो मुझे अच्छे लगे, जो शेप इस पर जच रही थी, वही सभी शेप्स मैंने इसमें यूज़ की है। तो अब आप देखिएगा किस तरह से आपको करना है, क्योंकि इस तरह के जो बर्तन है ना वो हमारी किचन में होते हैं और इनको हम प्लेन भी कलश ही बनाते हैं और किसी यूज़ में ये नहीं आते हैं। जब पूजा वूजा होती है तभी इनको ना एक कलश के रूप में हम यूज़ करते हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, आपके जो कमेंट्स हैं ना उनका हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। तो अभी आपको ये कुछ कुछ कम लग रहा होगा, तो अब बारी है जो है ना इसका मेन जो प्रोसीजर है ना वो करने की। तो मैंने यहाँ पर भी गोटा पत्ती के फूल लगा कर देखे थे, लेकिन फिर मुझे ना नहीं इनका लुक अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, तो फिर मैंने इनको खा लिया। और ये जो फ्लावर्स हैं मैंने यहाँ इस लेस में थोड़े थोड़े से गैप पर जो है ना पेस्ट कर दिए। लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल, जैसे जैसे ये बनता जा रहा है, डेकोरेशन होती जा रही है। और देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टिक किया है, कुछ चीज़ों को हमने स्टिक किया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अच्छी बातों को हम हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में स्टिक कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए इतनी सारी चीज़ें थी, सभी मैंने लगा लगा कर देखी, यूज़ कर करके देखी, लेकिन जब जो लास्ट में फाइनल हुई वो थी हमारी किनारी। जो किनारी हम दुपट्टों पे, साड़ीज पर लगी आती है ना आजकल, काफ़ी जो है ना ये समोसा किनारी फेमस है। तो देखिए इतना सा टुकड़ा था ये, और इसको मैंने इस पर पेस्ट किया। तो थोड़ा सा सावधानी से पेस्ट कीजिएगा, जो फर्स्ट इसका सिरा है ना उसको जल्दी मत छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से ना ये जब हम ऐसे राउंड में लेके जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये जो है ना अपनी जगह से हटने लग जाती है। बट हाँ, जब सेट हो जाती है उसके बाद ये कहीं नहीं सरकती और बहुत ईजीली ना हमारा जो है ना लुक एनहांस कर देती है। सो देखिए इस तरह से ये मैंने स्टिक कर दी है, और आप जो है ना इसको शेप देनी है दबाकर, आप पहले ही वो शेप दे लीजिएगा, क्योंकि जब अगर ये एक बार स्टिक हो गई उसके बाद आप उसको शेप देने की कोशिश करेंगे ना, तो वो शायद छोटी पड़ जाएगी, फिर आपको भी वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो जहाँ जॉइंट था वहाँ पर मैंने सबसे पहले मिरर लगाया है ताकि वो जॉइंट हाइड हो जाए, और उसके बाद मैंने पूरे पर इस तरह से ना मिरर्स छोटे वाले साइज़ के जो है ना थोड़े थोड़े गैप पर पेस्ट कर दिए हैं। तो देखिए स्टिक एंड जो है ना पेस्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके दोस्त सब बनाएं और बहुत खूबसूरत लगे। तो फिर देखिएगा किस किस की क्रिएशन सबसे अलग अलग है, क्योंकि हर क्रिएशन यूनिक होती है। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो फ्रेंड्स हम जो है ना ऐसे ही बहुत सारी क्रिएशंस बनाते रहेंगे, और अगर आपको पूजा थाली की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिएगा, और दिवाली डेकोर की तो राइट साइड में क्लिक कीजिए।